पंजाब की कांग्रेस सरकार के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के दावों का शुक्रवार को अकाली दल ने पोस्टमार्टम कर दिया। बता दें, उन्होंने कहा कि एक तो सीएम चन्नी का विज्ञापन भोग की तरह है और दूसरा पिछले 4.5 साल का हिसाब उन्होंने नहीं दिया। सस्ती बिजली पर भी अब वे झूठ बोल रहे हैं। चंडीगढ़ में SADB के प्रवक्ता दलजीत चीमा ने कहा कि जैसे हम किसी के भोग पर जाते हैं तो जन्म लेने और मरने की तारीख होती है, इसी तरह सीएम चन्नी के विज्ञापन पर भी 20 सितंबर की शपथ से 2 दिसंबर 2021 तक की तारीख डाल दी। कांग्रेस के 2017 से 2022 का मैनिफेस्टो का जिक्र करना ऐलान जीत उर्फ विश्वास जीत चन्नी भूल गए। इस पर सीएम के दावों पर अकाली दल के सवाल खड़े होते हैं और 2 किलोवाट तक बिजली बिल माफ किए तो इसके बदले खजाने से 1500 करोड़ की पावरकॉम को हुई अदायगी की एंट्री बताओ। उन्होंने कहा कि सस्ते बिजली बिल जनवरी 2022 में क्यों आएंगे, जब से चन्नी ने सीएम की कुर्सी संभाली तो तभी से क्यों बिजली रेट नहीं घटाए गए। इससे पहले 58 महीने जो 35% बढ़ाकर लिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है और बिजली खरीद समझौते रद्द कहां हुए। जो बिल विधानसभा में लाया गया उसमें तो समझौता रद्द करने वाली कोई बात ही नहीं लिखी है।